नसीम रोहित ने तारीफ की थी पाकिस्तान के फेसर्स की कि मेरे पास नसीम, शाहीन और आरिस नहीं है, अगर वो होते तो अच्छे तो काम करते। तो एक तो ये आपके लिए कितना बड़ा बूस्ट है कि रोहित पाकिस्तान के फेसर्स की तारीफ कर रहा है। सर का सवाल भूल गया, देखे रोहित का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? फिर इंशाल्लाह जब इंडिया के ख़िलाफ़ मैच होगा तो वो फिर देखा जाएगा। एज अ प्रोफेशनल अब जिस तरह का शेड्यूल बना है तो हमें वो लाइक एक्सेप्ट करना है। आई थिंक अब काफ़ी आइडिया हो गया दोनों का, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोनों जगह पे अच्छा एडजस्ट करेंगे। देखिए अभी तो मैं सिंपल ये कहूँगा कि अभी काफ़ी दिन है उस मैच में, और अभी हमारा इस मैच पे फोकस है कि कल हमारा जिसके साथ भी मैच आता है तो सबसे पहले तो इस पे फोकस है कि हम यहाँ पे अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल के यहाँ से इंशाल्लाह जीत के जाएं, और फिर इंशाल्लाह जब इंडिया के ख़िलाफ़ मैच होगा तो वो फिर देखा जाएगा। आगे चलते हैं, एक सवाल ले रहे हैं। ये बताएं कि आप मुसलसल ट्रैवल पाकिस्तान की जितना ट्रैवल कर दिए, कोई टीम भी ट्रैवल नहीं कर रही, मुसलसल एक दफ़ा पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान, श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, फिर उसके बाद हम दोबारा वापस जाना है। फिजिकल स्ट्रेस बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी वहाँ पर मौसम की तब्दीली काफ़ी ज़्यादा है, तो वो कितनी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है? वो आने वाले टाइम में ये ना हो जब टीमें ख़त्म होने वाला हो तब हमारे प्लेयर्स फिजिकल स्ट्रेस की वजह से परफॉर्म ना कर पाए। देखिए टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट मैं ये कहूँगा कि आसान नहीं है, स्पेशली मैं एज़ अ फास्ट बॉलर कहूँगा फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन एज अ प्रोफेशनल अब जिस तरह का शेड्यूल बना है तो हमें वो लाइक एक्सेप्ट करना है, और यू नो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा अपने आप को रिकवर कर सके, अपने आप का यू नो केयर करें। तो सारे फास्ट बॉलर इसी तरह ये सारी टीम जो है मतलब यही कर रही है कि ऑब्वियसली सबको पता है कि ट्रेवलिंग काफ़ी है, वहाँ पे मौसम भी गर्मी है, यहाँ पे भी गर्मी है, तो कोशिश सारे करते हैं कि यू नो अच्छा रिकवर करें और रेडी रहें, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अच्छा, नसीम रोहित ने तारीफ की थी पाकिस्तान के फेसर्स की कि मेरे पास नसीम, शाहीन और आरिस नहीं है, अगर वो होते तो अच्छे तो काम करते। तो एक तो ये आपके लिए कितना बड़ा बूस्ट है कि रोहित पाकिस्तान के फेसर्स की तारीफ कर रहा है, और दूसरे कजाफी की क्रिकेट और श्रीलंका की कंडीशन में बड़ा फर्क है। कजाफी में हमने देखा कि 310 की है यहाँ पर बांग्लादेश की टीम है, किस तरह देख रहे हैं कि आप सुपर फोर का पहला मैच होने जा रहा है, चाहे वो बांग्लादेश होगी या अफगानिस्तान की टीम होगी? सर का सवाल भूल गया, देखे अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक है। अच्छा देखिए, बिल्कुल आपने कंडीशन की बात की तो डिफरेंट है, श्रीलंका की कंडीशन थोड़ी सी यहाँ से डिफरेंट है, तो हमारी यही कोशिश है, वहाँ पे काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, टेस्ट सीरीज से लेके एलपीएल सारा वहाँ पे हम खेले, तो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है वहाँ पे कि वहाँ पे कंडीशन कैसी हैं, और पाकिस्तान की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हर जगह पर आपको वनडे क्रिकेट में यू नो डिसिप्लिन खेलना पड़ता है, एज अ बॉलिंग यूनिट आपको डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ती है, वो कोई भी विकेट हो। और आई थिंक अब काफ़ी आइडिया हो गया दोनों का, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोनों जगह पे अच्छा एडजस्ट करेंगे।